हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया बास्को ट्रिपल वन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के अभी बजे हैं 8:30 और यहाँ से देखिए मेरी नानी नानी है। नानी बता, आज का नानी बोलता हरदी खुली और सत्यनारायण भगवान कथा बा। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, आज 30 नवंबर है। आज मेरी शगुन की हल्दी खुलने वाली, आज से 5 दिन लगने वाली है हल्दी, जिसकी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ शादी के एक दिन पहले देखा जाए तो नॉर्मली शादी के एक दिन पहले मटकोर के रस्म में ही कथा सुनी जाती है नारायण भगवान की, विष्णु जी की। बट किसी रीज़न से हम लोग उसको एडवांस में ही जिस दिन हल्दी खुल रही है मेरी, उसी दिन कर रहे हैं। तो उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है, मैं दिखाती हूँ। वहाँ पे आंगन में होगा पूजा, वो देखिए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है। तुलसी जी के पास पूजा आंगन में होगी। तो ये हम लोग केले के छोटे छोटे पौधों से हम लोगों ने इनका जो आसन लगाने का स्थान है लीप के बहुत सुंदर से सजा दिया है। अभी और इसमें सजाना बाकी है। और बाकी मौसम भी आज बहुत अच्छा है, देखिए हवा बहुत अच्छी चल रही है। राहुल आ गए हैं यहाँ पे, और सब, वो मेरा एक भाई है, वो काम कर रहा है बेचारा, साफ सफाई का काम कर रहा है। और नानी और मैं अभी सब नहाने के लिए निकलेंगे। और ये देखिए मामी मेरी चाय बना रही है, बेचारी कल से आई है, कल से काम ही किए जा रही है। मामी देखो, हाय करो मामी, आज कहा बोलो तो एक बार है ना, बोलो ना कहा एक बार। पूजा और हल्दी आज खुली ना। अरे क्या छोड़े बड़ू, पानी गरम। तो ये देखिए लगभग तैयारी हो चुकी है। यहाँ देखिए पूजा का सारा सामान, फल फ्रूट्स वगैरह सब यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे नारियल वगैरह सब रेडी है, बस पंडित जी के आने की देरी है। यहाँ पूजा स्थान भी हम लोगों ने साफ कर लिया। और ये देखिए ये डीजे लाया गया है जो कि बजने वाला है, इस पे हम लोग खूब नाचेंगे। एक और है बॉक्स, मम्मी एक और बॉक्स कहाँ बाहो? अरे वो बॉक्स बनाएंगे ना। अच्छा, एक एक बॉक्स बनाने के लिए लेके गए हैं, कुछ उसमें टेक्निकल इशू हुआ है। इन लोगों को बहुत जलन हो रही है पता है, मामी लोगों को जलन हो रही है। किस लिए जलन हो रही है पता है? क्योंकि आज से मेरा काम करना बंद, आज से चूल्हा चौकी मैं नहीं छूंगी, ना ही नल वगैरह छूंगी। आज से मैं आज ही नहाऊंगी, आज के बाद ना नानी 5 दिन ना नहाऊंगी, शादी तक मैं नहीं नहाऊंगी। क्योंकि हमारे में नियम ऐसा है कि जब तक उनके घर से, मतलब मेरे फियांसे के घर से उनका नहाया हुआ पानी जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं नहा सकती, तैयार नहीं हो सकती। तो इसीलिए 5 दिन तक हल्दी लगेगी और 5 दिन तक मैं नहीं नहा सकती कंटिन्यूअसली। इसलिए आज घस घस कराएंगे मेरे तो आज मुझे नहाना है। और आज पूजा वूजा है तो काफी कुछ होने वाला है। कौन कौन आने वाले हैं, क्या क्या तैयारी होगी, ये जानने के लिए आप ब्लॉग पे बने रहिए। मैं थोड़ी देर में नहाने जाऊंगी, नहा जा बोलू। चलिए, तो आज सब मामी कह रही है कि आज से मेरी बब आई है, क्योंकि आज मैं पूरा आराम ही आराम। अरे फ्रेंड्स, आप लोग कह रहे थे कि भाभी ने जो सूट दिया है ससुराल से, उनके जो आया था भैया के ससुराल से, वो आपने नहीं दिखाया। एक्चुअली वो मैंने दर्जी को सिलने के लिए दिया था, और मैं लास्ट नाइट कल रात को ही लेके आई हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये सूट दिया था अभी ने, ये देखिए इसको मैंने सिलवाया है, ये देखिए। और इसका ना जो शोल्डर है ये थोड़ा सा लूज है, इसको दोबारा सिलवाना पड़ेगा। और ये इसका दुपट्टा देखिए, ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत सुंदर है दुपट्टा। आप बताइए कैसा लगा आप लोगों को। पैंट मैंने पटियाला सिलवाया है, आप वो भी देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरी मामी ने फोन लिया, उनका हाथ दर्द कर रहा है। मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के हम लोग काली मंदिर जाएंगे, वहां पूजा करेंगे, उसके बाद घर में पूजा होगी, उसके बाद शाम को हल्दी लगेगी। तो आप लोग बने रहिएगा। क्या करिए आप, देखिए यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लग रहा है, और हवा देखिए कैसे तेज हवा चल रही है, पता नहीं ऐसे में कैसे दिया वगैरह जलेगा, पूजा होगा भगवान जाने। ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने एक पीली साड़ी जो मैंने नवरात्र में पहनी थी वही पहन ली है मैंने अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हल्दी वाली जो साड़ी आई है ससुराल से वो मैं हल्दी के समय पहनूंगी। अभी हल्दी शायद शाम को लगेगी, लेकिन फिलहाल तो ये है कि सत्यनारायण भगवान की कथा होनी है, पूजा पाठ होनी है, तो पंडित जी भी आए नहीं हैं। बाकी लगभग पूजा की तैयारियां हो चुकी है, और मैंने भी घर पे पूजा कर ली है, घर के मंदिर में पूजा कर ली। बस माँ आएगी तो माँ के साथ मुझे काली मंदिर
पड़ोस के काली मंदिर में मुझे जाना है, वहाँ पूजा करना है, मन्नत थी मेरी, तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। और अभी देखिए कैसे स्क्रीन वगैरह लगाई जा रही है मेरे आंगन में, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। हम लोग मंदिर में आ गए हैं ना, गेटो खोल, ये देखिए मंदिर के गेट में ही है, ताला मारा है, कहाँ ताला मार रहा, देख लो ये देखिए। हम लोग मंदिर जा रहे हैं उन पूजा वूजा करने के लिए, क्योंकि आज हल्दी लगने के बाद से, शाम के बाद से मैं निकल नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे जो भी मंदिर हैं वहाँ जाके, जैसे विष्णु मंदिर हो गया और काली मंदिर हो गया, वो सब मंदिर में जाके मैं सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। ये देखिए इसी मंदिर में मैं कई बार आ भी चुकी हूँ, ये शमशान काली का मंदिर है, मैं यहाँ जा रही पूजा के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हम माँ और मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आ चुके हैं। माँ यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ा रही है माता को। ये देखिए हमारे शमशान काली माँ, जो कि हमारे घर के शमशान के ठीक पास में ही है, ये उनको चुनरी उड़ा रही है, उनकी मन्नत थी। ये मैं यहाँ से मैं उनको दूध वगैरह चढ़ा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ छाँक वगैरह चढ़ा के। ये देखिए फाइनली हम मंदिर से आ गए हैं, और जैसे ही हम आए वैसे ही हमारे पंडित जी भी आ गए। और अभी दोपहर के 12 बजे, दोपहर का सुबह, हाँ 12 बज रहे हैं, तो पंडित जी भी अपनी पूजा की तैयारी में लग गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए फ्रेंड्स, पंडित जी पूजा की तैयारी में लग गए हैं, और अभी हमारे बाबा भी नहाने गए हैं। यहाँ से मेरी माँ रेडी हो रही है, माँ जल्दी जल्दी तैयारी हो रहे, यहाँ मेरी माँ रेडी हो रही है। फ्रेंड्स पूजा यहाँ पे आरंभ हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर चुके हैं, और मेरे माँ और बाबा पूजा पे बैठ चुके हैं, इनका आज उपवास है। ये देखिए लगभग पूजा हमारी समाप्त हो चुकी है। फ्रेंड्स अब थोड़ी देर में हम लोग आरती करेंगे, ये देखिए आरती हो गई, आरती भी हमारी समाप्त हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली हमारी पूजा जो है समाप्त हो चुकी है, अभी कुछ मेहमान भी आए हैं प्रसाद के लिए। और यहाँ पे ये देखिए मेरी मासी प्रसाद काटती, ये देखिए मेरी माँ और मेरी मासी दोनों एक लगती है ना। हाँ मुसी हाय कर दे जा, हाँ मुसी हाय कर रहे, अरे बात रख ले, अभी 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 बोल, देखा मुंह देखा ना रे। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए मेरी माँ जैसी हूबहू दिखती है या नहीं, कमेंट करके बताइए। चलिए मैं प्रसाद सब अभी ग्रहण करेंगे, तो प्रसाद काटने वाटने की तैयारी चल रही है, और बच्चे यहाँ पे बहुत परेशान कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों का तो क्या बताऊं मैं, आज बोला ना जबी। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4 बज रहे हैं, पूजा वूजा खत्म हो गई, फल प्रसाद लोगों ने खा लिया। अब क्या है कि ये जो वीडियो है मुझे यही एंड करना पड़ेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि क्या है ना हल्दी वल्दी करते करते बहुत शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि फिर मैं आज ब्लॉग नहीं डाल पाऊंगी, तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। दूसरे ब्लॉग में मैं आपको हल्दी का रस्म हमारे यहाँ कैसा होता है वो मैं दिखाऊंगी, उसके लिए मुझे रेडी भी होना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय विष्णु भगवान, बाय।